लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत खजुराहो से कर दी गई है। चुनाव का यह शंखनाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खुद किया है। चुनावी शंखनाद के पहले दोनों ने मतेंगेश्वर महादेव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा हुई उज्जैन में, महाकाल के महालोक का हुआ, बनारस का हुआ, तो खजुराहो का क्यों नहीं होगा। खजुराहो नंबर वन है। हम सब आदर श्रद्धा के साथ आज महाशिवरात्रि मना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी लगातार इसकी चिंता करते रहते हैं। अभी 15 दिन में हमको 3 बार लेकर के आए और ये उनकी जागरूकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ओला पाला किसानों के लिए आज समय जो वर्षा हुई, आंधी तूफान हुआ, उसका नुकसान हुआ, तो हमने कलेक्टर से निर्देश उसी समय दे दिए थे और अभी भी किसी का कोई 1 रुपये का भी नुकसान होगा सरकार पूरी भरपाई करेगी, सबकी चिंता करेगी, ये स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं। चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आज चुनावी संकनाद शुरू हो गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज मतंगेश्वर महादेव के दर्शन कर संकनाद किया है। आज मतंगेश्वर भगवान का आशीर्वाद लेकर के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आज नेतृत्व में हमने यहाँ से खजुराहो लोकसभा के चुनाव की शुरुआत की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी खजुराहो लोकसभा में हर बूथ पर चुनाव जीतेगी, इस बार इतिहास बनेगा। सीएम साहब कितनी सीटें आएंगी? 29 की 29 सीटों पर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करके लोकसभा चुनाव का संकनाद कर दिया गया है। नरेंद्र सिंह परमार, News18 खजुराहो। हरदा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 15 दिनों से जारी पीड़ितों और सर्व समाज का धरना और भूख हड़ताल स्थगित हो गई। हरदा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने धरने पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर धरना और भूख हड़ताल खत्म कराई। आंदोलनकारियों ने प्रशासन को 16 मार्च तक का वक्त दिया है। सभी पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर 17 मार्च को फिर जन आंदोलन करने की बात दिग्विजय सिंह ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीहोर पहुंची, जहां उन्होंने चिंतामन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उमा भारती ने कई मुद्दों पर बयान भी दिया। उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना को लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और साथ ही कहा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जो महिलाओं के प्रति भावना है वो संदेश खाली से स्पष्ट हो गई और तुष्टिकरण की राजनीति की सारी हदें पार हो गई हैं। मैं तो मानती हूँ कि पश्चिम बंगाल की सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि 400 से पार हो जाएंगे।